हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर शॉपिंग हॉल वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो शेयर करूँगी दैट इज़ अ शैम्पू फ्रॉम ब्रांड वाओ की पैकेजिंग कुछ इस तरीके से दिखती है। दिस इज़ नेट वॉल्यूम इज़ 200 ml। मैंने इसका स्मॉल साइज़ ही ट्राई करने के लिए मंगवाया है सबसे पहले। वैसे तो मैंने वाओ के पहले भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रखे हैं, बट शैम्पू आई एम यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मुझे देखना था कि कैसा है, तो इसमें फिर मैं नेक्स्ट टाइम बड़ा साइज़ मंगवा सकती हूँ। वाओ का सबसे बेस्ट पार्ट है जैसे सल्फेट, सिलिकन एंड पैराबेन फ्री, जो कि आपके आपके पीएच लेवल को ध्यान में रखता है। बीट हेयर या स्किन जो भी है तो उसको ध्यान में रखते हुए ये बनता है। तो इसमें सब नेचुरल एक्टिव्स होते हैं, सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। कोई हार्श केमिकल्स यूज़ नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मुझे पसंद हैं। तो ये आपके हेयर रूट ग्रेइंग, प्रीमैच्योर ग्रेइंग, ये सब बालों का जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेटेड टू हेयर, ये उस पर वर्क करता है। लेट्स सी मेरे लिए कितना यूज़फुल रहेगा। इनका मैंने फर्स्ट वॉश ट्राई किया है तो मुझे अब तक तो काफ़ी अच्छा लगा है। तो लेट्स सी कि मुझे आगे कितना बेनिफिट देता है। दिस फॉर ₹269 फ्रॉम नाइका। देन इज दिस लॉन्ग लास्टिंग आई लाइनर फ्रॉम कीको मिलानो, और ये कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज नंबर 16, यानी कि आई थिंक ब्लैक, मे बी ब्लैक मेंशन है तो इसीलिए 16 नंबर है ये। इसको शार्प करना पड़ता है। दिस इज नॉट अ ट्विस्टर, और इसके पीछे इस तरीके का स्मजर दे रखा है, इसे आप जस्ट स्मज कर सकते हैं। एंड दिस इज फॉर ₹587। This is from brand Mama Earth Bye Bye Blemishes Face Moisturizer Face Cream. This is 30 grams with this is 30 grams for ₹449, और ये है मलबरी एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी जो आपके अनइवन स्किन टोन ब्लेमिशेस पे जो वर्क करता है, ये उसके लिए माना जाता है। तो इस वक्त मेरे काफ़ी अनइवन स्किन टोन हो रखी है, तो मैंने सोचा कि कुछ ब्लेमिशेस रिलेटेड कोई स्किन क्रीम ट्राई की जाए। इससे पहले मैंने काया का मॉइस्चराइज़र फेस क्रीम यूज़ किया था फॉर ब्लेमिशेस, जिसका रिजल्ट मुझे उसका अच्छा मिला था, बट दैट वाज फॉर रुपीज़ अराउंड 1000। तो ये मुझे ऑलमोस्ट का हाफ प्राइस में मिला है। तो लेट्स सी, मैंने इसका अब तक 2-3 यूजेस कर चुकी हूँ और मुझे अब तक का रिजल्ट अच्छा लगा है। तो बाय द एंड इसका जब ख़त्म होता है ये पूरा प्रोडक्ट, तब मुझे पता चलेगा कि इसने मुझे कितना बेनिफिट दिया है। तो लेट्स सी, और ये इस तरीके से पंप में है, तो जस्ट इसका वन पंप इनफ है पूरे फेस को कवर करने के लिए। नेक्स्ट इज दिस ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र फ्रॉम मामा अर्थ। तो जो एक्ने प्रोन स्किन वाले होते हैं, स्किन टाइप वाले होते हैं, उनको मोस्टली ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। तो इसमें ये फेस मॉइस्चराइज़र है, तो मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ही लिया है। एक स्मॉल पैक है फॉर ₹99, तो इसका विद एप्पल साइडर विनेगर। तो लेट्स सी इसका मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। तो मैं बाद में रिजल्ट से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मुझे क्या प्रोडक्ट बेनिफिट लगे, बेनिफिशियल लगे और क्या नहीं, वो मैं बता सकती हूँ। तो नेक्स्ट दिस इज़ अ लिप लाइनर फ्रॉम ब्रांड कीको मिलानो, और दिस इज़ इन कलर रोजवुड। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, मैं यहाँ पे मिंट इस तरीके से इसका कलर है। ये काफ़ी प्रिटी कलर है, नेचुरल कलर है ये। एंड दिस इज़ फॉर ₹298। नेक्स्ट इज़ कीको मिलानो का, दिस इज़ अ ब्लश एंड दिस इज़ इन कलर कॉरल। ये मुझे पड़ा है ₹672 का, और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। काफ़ी क्यूट पैकेजिंग है। और इसका एक ट्राई दिखाती हूँ, ऐसे इस तरीके का कलर है ये, मतलब काफ़ी नेचुरल पीची कलर है ये। एंड दिस इज़ फॉर ₹672। नेक्स्ट इज़ दिस इज़ अ हाइड्रो बूस्ट सीरम कैप्सूल एंड सीरम, जो कि हम कैप्सूल फॉर्म में जो रहते हैं फेस को बूस्ट करने के लिए जो कैप्सूल्स रहती हैं, ये उसी का ही एक सीरम फॉर्म में है।
दिस इज फ्रॉम ब्रांड्स न्यूट्रीजिना और दिस इज फॉर रुपीज 699 यानी कि ऑलमोस्ट 700 रुपीज का है और इसका पैकेजिंग इस तरीके ओके दिस इज इन पंप फॉर्म ओ वाओ दिस इज सो प्रिटी वाओ जस्ट लुक एट दिस मतलब मैं फर्स्ट टाइम यूज करूंगी ये मैंने अब तक इसको यूज नहीं किया है बट दिस इज आई थिंक दिस इज कीप योर स्किन सपल बिकॉज इसमें हाइलुरोनिक एसिड है एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपके स्किन को सपल रखेगा सॉफ्ट रखेगा स्मूथ रखेगा तो इट इज दिस एंड ये एक पम्प फॉर्म में है काफ़ी प्रिटी ब्लू कलर है विद कन्फेटी इन इट मे बी कन्फेटी है या सम कैप्सूल आई डोंट नो बट बहुत ही प्रिटी पैकेजिंग है इसकी इट लुक समथिंग लाइक दिस और ये है दिस इज 30 ml ये सब प्रोडक्ट्स यूज़ करके मैं एक फाइनल जो मुझे एक रिजल्ट मिल रहा है उसके ऊपर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और नेक्स्ट इज दिस ओले का 7 स्किन बेनिफिट इन वन विद SPF 15 ये मैंने स्मॉल पैक लिया है जस्ट फॉर ट्रायल मुझे पसंद आया अगर तो मैं इसमें बड़ा साइज ज़रूर लूँगी ओले के वैसे प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं बट कितने बेनिफिशियल हैं वो मुझे पता नहीं तो दिस इज़ फॉर रुपीज 160 और ये एंटी एजिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है जैसे ही आप 30+ होते हैं तो आपको ज़रूर एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जिससे आपकी स्किन काफ़ी यूथफुल रहे और आपको अपनी स्किन का डेफिनेटली ख्याल रखना चाहिए जैसे आप एज करते हैं नेक्स्ट है मिलानी का इंस्टेंट ग्लो ट्रेवल साइज आफ्टर ग्लो पाउडर ये कुछ इस तरीके से दिखता है इसकी पैकेजिंग बहुत ही क्यूट है बहुत ही प्रिटी है इसकी पैकेजिंग और ये है रुपीज़ 550 का दिस इज बेसिकली अ हाइलाइटर बहुत ही प्यारा है बहुत ख़राब करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि इसका ये देखिए इस पर टेक्स्चर कैसा है एंड बट आपको ट्राई करके दिखाना है तो जस्ट इस तरीके का इसका शाइन है काफ़ी अच्छा है नेचुरल ग्लो है इसका नेक्स्ट इज मामा अर्थ का दिस इज़ अ नेचुरल लिप बाम फॉर बेबीज दिस इज विद एक्सट्रैक्ट ऑफ कोकोनट एंड ऑरेंज तो दिस इज मेड ऑफ ऑलिव ऑयल कोकोनट ऑयल बीज वैक्स कैलेंडुला ऑयल शिया बटर कोकोनट बटर ऑरेंज ऑयल विटामिन ई इन सब का बेनिफिट आपके बेबी के लिप्स को मिलेगा तो इसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी है लवली ये कुछ इस तरीके से दिखता है मोस्टली प्रोडक्ट्स हैं जो फर्स्ट टाइम बाय कर रही हूँ मैं तो स्पेशली फ्रॉम मामा अर्थ के मेरे पास बेबी के प्रोडक्ट्स हैं बट अपने लिए मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया है मॉइस्चराइजर ये सब तो दिस इज़ फॉर रुपीज़ 199 लास्ट प्रोडक्ट है मेरा ये बॉडी शॉप का फेस वॉश फ्रॉम कैरेट विद गुडनेस ऑफ कैरेट तो दिस इज़ एनर्जाइजिंग फेस क्लेंजर 100 ml और इसका है रुपीज़ 895 विच इज़ इट्स MRP मैंने इसका फर्स्ट ट्राई कर चुका है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा मोस्टली बॉडी शॉप के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं तो मैंने सोचा कि इसी का ही फेस वॉश ट्राई किया जाए तो ये रेंज इससे पहले कभी था नहीं तो मैंने सोचा कि कैरेट ट्राई किया जाए तो इसी के साथ मेरा नाइका हॉल ख़त्म होता है